जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुलाकात की है और उन्होंने उनसे शैक्षिक और रोजगार के मामले में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की अपील की। और इस पर जो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैं उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और शनिवार को एक मुस्लिम नेताओं की बैठक बुलाई जिसमें मुस्लिम नेताओं ने उनसे शैक्षिक तौर पर और जो मुस्लिमों की तरफ से अल्पसंख्यक कुछ संस्थाएं हैं शैक्षणिक जैसे मदरसे वगैरह उनके लिए अलग से ज़्यादा बजट देने की मांग की जो नया बजट अब रिलीज होगा 2024 का। तो इस पे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और एक तरह से उनको आश्वासन दिया कि आपका ये काम हो जाएगा। इस पर मुस्लिम नेताओं ने और मुस्लिम प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का एक तरह से आभार व्यक्त किया, उनसे धन्यवाद कहा। इसी मुद्दे को लेकर जब पिछले साल 30 नवंबर को चुनाव हुए थे तो तेलंगाना में ये मामला काफ़ी गर्म था कि मुस्लिमों को जो आरक्षण है इस पर मामला काफ़ी गर्म था। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा था कि अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनती है तो मुस्लिमों के 4% आरक्षण को ख़त्म करेगी, ये गैर संवैधानिक है। उन्होंने कहा था वो मुस्लिमों का आरक्षण ख़त्म कर ओबीसी एससी एसटी को ये आरक्षण देगी और उनके आरक्षण में बढ़ोतरी करेगी। जो मुस्लिमों के लिए जो आरक्षण दिया जा रहा है ये संविधान के दायरे से अलग हटकर उनको दिया जा रहा है। इस पर यूपी के सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही बात कही थी कि तेलंगाना में धर्म के तौर पर जो 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है ये गैर संवैधानिक है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का अपमान है। अगर भाजपा की सरकार यहाँ पर बनती है तो ये आरक्षण वहाँ से ख़त्म किया जाएगा। दोस्तों अगर मुसलमानों की कोई बात आती है, उनको कोई बेनिफिट्स कहीं पर दिया जाता है तो वहाँ पर सत्ताधारी पार्टी को संविधान याद आ जाता है, लेकिन जब मस्जिदों को गिराया जाता है, उनकी मुस्लिमों की इमारतों को गिराया जाता है, फिर मुसलमानों को खुलेआम कत्ल कर दिया जाता है, उस टाइम पे ये जो संविधान है उसका रेफरेंस नहीं देते। क्योंकि संविधान में आर्टिकल 1991 में ये लिखा हुआ है कि 1947 से पहले कोई भी मस्जिद मंदिर या फिर ईदगाह या फिर कोई गुरुद्वारा अगर कोई बना हुआ है तो उसको आप तोड़कर कोई दूसरी चीज़ वहाँ पर नहीं बना सकते। लेकिन जो संविधान है उसके दायरे से अलग हटकर गैरकानूनी तरीके से मस्जिदों को तोड़कर वहाँ पर मंदिरें बनाई जा रही हैं, इन चीज़ों पर जो भाजपा है उसको संविधान याद नहीं आ पाया। बाकी आपको क्या लगता है आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, आपकी ज़रूरत।